जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, कौरव यहाँ रुके थे और अर्जुन जी ने तीर मार के सभी भाइयों की प्यास बुझाई थी। और फिर जब यहाँ उन्होंने रुका था तो एक मंदिर का निर्माण किया था, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आपको उसके भी दर्शन कराऊंगा। अब आपको मैं उसी जगह पे ले चल रहा हूँ। बहुत ही पुराना मंदिर है, जैसा कि आपको यहाँ से दिखाई ही दे रहा होगा। ये शहडोल शहर का नाम इसी से जाना जाता है, विराट नगरी। यहाँ पे अब पहले तो यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन अब यहाँ जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पूरा हरियाली कर दी गई है। मेरा चैनल है कमल श्रॉफ ब्लॉग्ड, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरा प्रोत्साहन बढ़ाइए, ताकि मैं आप लोग को और भी जगह की अच्छी अच्छी चीजें आपको दिखाऊं। ये है विराट नगरी, विराट मंदिर। यहाँ पे एक एक सुरंग भी बनाई गई है, जो कि यहाँ से लेके कहते हैं कि रीवा तक जाती है। उस सुरंग को बंद कर दिया गया है, अब किसी को जाने की इजाजत नहीं है। ये जो पत्थर लगे हुए हैं मंदिर के, इसे कुछ भी नहीं किया गया। जैसा पहले बनाया गया था वैसा ही है, थोड़ा बहुत ही बाहर को चेंज किया गया है। इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने किया था। आप देखिए, पूरी दीवारों पे नक्काशी की हुई है। यह जो आपको रास्ता दिख रहा है, ये रास्ता इसी रास्ते सुरंग बनी हुई है, जहां मैंने आपको इशारा किया हाथ से। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। देखिए यहाँ देखिए, आपको नक्काशी ऊपर से लेकर नीचे तक दिखाई देगी।
इस मंदिर का नाम है विराट मंदिर। आइए मैं आपको चारों तरफ से इसको दिखाता हूँ। यहाँ पूरी हरियाली कर दी गई है, विराट नगरी। यहाँ पे अब शायद थोड़ा सा मंदिर झुक रहा था, उसको लगता है थोड़ा रिपेयर किया जा रहा है। ये पूरी ऊपर से लेके नीचे तक नक्काशी हुई है। ये है विराट मंदिर। ये मैंने पास से अभी आपको जो मंदिर है उसको दिखाया। लास्ट में इसमें गुम्बद लगा हुआ है जो यहाँ पास से दिखाई नहीं दे रहा। सफाई का काम चालू है इधर। इधर आइए और आप घूमिए विराट मंदिर बाण गंगा। और ये कहा जाता है कि बहुत ही कम समय में इसका निर्माण किया गया था। ये इस जगह से ही, इसके अंदर से ही, जहाँ मैंने आपको दिखाया था यहाँ से ही जाने का रास्ता बना था, उन्होंने बनाया था। अच्छा दोस्तों, ये मैंने आपके विराट नगरी का आपको दर्शन कराया। इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे इस चैनल को आगे से बढ़ाइए। थैंक यू।